अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे दोस्तों तो एक छोटा सा मैं पॉइंट आपके लिए ले लेके आया हूँ कॉलर गोल्ड नोक वाला कैसे बनाना है तो उसका पूरा तरीका कार मैं लेके आया हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको देखने में आसानी होगी तो दोस्त जो नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे डिज़ाइन का हो जो भी हो दोस्तों तो इसका क्या तरीका करें ये देखें आप फ्रंट पॉकेट वाला अगर पैटर्न आपके पास है गुलाई वाला तो उसके साथ भी आप ये मदद मतलब ले सकते हैं आप इस तरीके से आपने ये गुलाई कर लेनी है कॉलर के दोनों जो पल्ले हैं जो बड़ा भी है और छोटा भी दोनों की गुलाई कर लेनी है और साथ हम जो ऊपर बकरम लगाते हैं उसकी भी हमने उसी हिसाब से गलाइयाँ कर लेनी है दोस्तों तो कोई मुश्किल नहीं है यकीन मानो जो मेरे दोस्त नए इस फील्ड में आए हैं तो उनके लिए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही आसान तरीका है कॉलर बनाने का तो बैन भी हमने गोल रखना है कॉलर बहुत प्यारा बन जाता है तो इसका तरीकाकार यही है मैं आपको आगे बना के भी दिखाता हूँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो मुकम्मल देखना थोड़ी सी वीडियो है तो कॉलर मुकम्मल बनाने का तरीका है तो इस तरीके से ये देखें आपने इसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है और दूसरी बात दोस्तों मैं माजरत इस बात की चाहता हूँ कि अगर शोर है मेरी वीडियो में तो वो आप माजरत चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है छोटी सी कॉलर की तो शॉप पर बैठ बैठ के बनाई है मैंने अलग नहीं बनाई तो उधर हल्का सा शोर आता होगा बाहर मेन रोड है तो इस तरीके से ये देखें दोस्तों हमने इसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है पहले वाले पल्ले को और अच्छे तरीके से जब पेस्टिंग होगी तो जहरी बात है कलर खूबसूरत बनेगा तो दूसरे पल्ले को भी हमने पहले से ही सेट किया हुआ था लेकिन अगर करना पड़े तो हम फिर भी कर सकते हैं इसको तो दूसरे को भी ये देखें थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा था तो इसको हम मज़ीद फिर उसी गुलाई में सेट करेंगे तो और दूसरी बात ये आप जहन में रख लें कि दोनों पल्ले जो हैं बिल्कुल लेवल पर होने चाहिए बड़ा छोटा बिल्कुल ना नहीं होना चाहिए ऊपर से आ, वैसे तो छोटा पल्ला होता है वो नीचे से बस फ़र्क होता है ऊपर से बिल्कुल लेवल होना चाहिए किनारे बराबर होने चाहिए कॉलर के तो वो ज़रा मजबूती होती है कॉलर की गुलाई भी अच्छी बन जाती है तो इस तरीके से ये देखें आपने दूसरे पल्ले को भी अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है तो दोस्तों कोई मुश्किल बिन काम नहीं है अगर आप जो भी दोस्त नए हैं अगर इस शौक से इस वीडियो को आप देखते हैं शौक़ से अगर कोई भी काम करते हैं ना डिज़ाइनिंग का हो या चाहे ये पेस्टिंग का हो खर्चे का तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है जो हमने ये देखे छोटे छोटे पीस बुकरम के बनाए थे गुलाई में उसी शेप में तो उसको हमने नोक के बराबर लेवल पर रख के पेश कर देना है अब दूसरी साइड पर भी हमने उसको लेवल रखना है तिरछा मिर्चा नहीं रखना बिल्कुल लेवल होना चाहिए तो फिर ये गुलइयाँ मजबूत से सफाई से निकलती हैं तो दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है कॉलर का तरीकाकार गोलर गोल कलर का तो यकीन मैंने गोल कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है सूट में अगर पहनना हो तो फिनिशिंग होती है कलर की नोक तो आम रूटीन है कॉलर की लेकिन गुलाई में भी बहुत प्यारा लगता है कॉलर तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको कपड़े को फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल एंड कर देना नोक पे सिर्फ सिलाई गुज़रने का बस फासला हो तो ये देखें हमने इसको अब कट लगा लेने हैं तीन तो ताकि हमारा अच्छे तरीके से बैठ जाए बुकरम तो इस तरीके से अब हम बैन को पेस्ट करते हैं तो बैन का भी दो पल्ले होते हैं उसको भी कैसे पेस्ट करना है कैसे करना है ये देखें आपके सामने तो सबसे पहले आपने कपड़े का भी उल्टा सीधा देख लेना है ये भी गलती ना हो तो ये देखें इस तरीके से हमने बैन को पेस्ट कर लेना है और बैन का भी हमने पीस नीचे वाला रखना होता है ज़रूरी होता है और जैसे हमने कलर कर रखा है तो फिर ही हमारा काम मुकम्मल होगा तो इस तरीके से हमने बड़ा पीस अलग कर लेना है और देखें हम बैन को अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेते हैं खूबसूरती दोस्तों मेन चीज़ यही होती है अगर ख़र्चा अच्छा तरीके से फ्यूज़ हुआ हो अच्छी तरीके से पेस्टिंग हुई हो तो खूबसूरत लगता है तो देखें ये दो ऊपर वाला बैन का जो हमने पीस रखा हुआ था उसको कैसे किस तरीके से पेस्ट करना है ये देखें दोनों साइडों से बराबर रखना है बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए साइडों से तो अब जो सामने ब्रीक दबा जो हमने छोड़ा हुआ है पैर का अब उसको हमने फ़ोल्ड करना है ऐसे कट लगा के फ़ोल्ड कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से बैठ सके तो कट लगाने का यही मकसद है कि अच्छे तरीके से बैठ जाए तो दोस्तों इस तरीके से हमने अब इसको भी पेस्ट कर लेना है आगे तरीका क्या होगा कैसा किस तरीके से हमने बनाना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ तो दोस्तों ये देखें हमने बुकरम के नीचे वाले हिस्से से बिल्कुल साथ रख के कटिंग किया हुआ था तो अब हमने ये वाली सिलई लगानी है बुकरम के साथ रख के थोड़ा सा तकरीबन एक सिले का फासला दरमियान में रखना है बुकरम के फ़ासले में ना एक सिलाई का फासला होना ज़रूरी है फिर अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाता है तो इस तरीके से हमने ये मुकम्मल सिले घुमा लेनी है गुलाई से ज़रा एहतियात से सिलाई लगानी है तो सिलाई लेवल की होनी चाहिए तो उसके बाद नीचे वाला जो कपड़ा था उसको हमने हल्का सा एड कर लेना था तो ये हम बैन की पहले ही हम पैर की सिलाई लगा चुके हैं बैन की भी लगानी है उसके बाद बैन को क्या करना है ये देखें हमने एक पैर छोड़ के जो सात पीस है उसको हमने अलग कर लेना है बैन के साथ एक पैर का कपड़ा छोड़ देना है वो हमारा दबाव वाला पीस है ये देखें हमने कट भी लगाया हुआ है तो कॉलर को भी सेम उसी तरीके से हमने कट लगाना है दरमियान में तो यही दोनों कट को साथ बराबर करके हमने जोड़ने हैं तो इसको अच्छे तरीके से गले में ही कटिंग करनी है ये देखें जितने सफाई में काम करेंगे तो उतना ही प्यारा उतनी फिनिशिंग आएगी काम में तो इसको भी अच्छे तरीके से हमने दूसरी साइड से भी हमने कटिंग कर लेनी है अब सीधा कर लेना है इसको तो ये देखें नोक कैसी कितनी प्यारी लग रही है तो इसको हम जब सीधा करने के बाद इस इसत्री की मदद से आप ज़रा मज़ीद इसको उठा लेते हैं कपड़े को ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आ जाए आपको गुलाई और सिलाई भी अच्छी हो जाए ये देखें दोस्तों अब मैंने इस्त्री लगा ली है देखो कितना ही प्यारा लग रहा है ये कितनी प्यारी नोक है नोक नहीं है सोरी गुलई वाली नोक जो है कलर की है देखें गुलाई में कितना प्यारा लग रहा है तो अब इस तरीके से हमने इसको सिलाई का लगा लेनी है नीचे वाले कपड़े को जो बकरम के किनारे पे लगानी है और ये कलर हमारा जो है ये डबल सिलाई है और गुलाई वाला कलर है नो गोल है इसकी तो ये गुलाई वाली जो सिलाई है हमने बड़े एहतियात से लगानी है बिल्कुल किनारे पर आनी चाहिए तो ही खूबसूरत बनेगा तो ये मुकम्मल सिलाई हमने किनारे की लगानी है अब दूसरी सिलाई भी लगानी है क्योंकि ये मुकम्मल सूट जो हमारा डबल सिलाई वाला है तो इसको हमने भी डबल सिलाई लगानी है ये देखें इसको भी हमने ऐसे फिर दूसरी साइड से हमने फिर पैर की सिलाई लगानी है ये देखें इस तरीके से और नीचे वाला जो कपड़ा अब नज़र आ रहा है तो ये हमने कटिंग कर लेना है एंड पे बिल्कुल साथ रख के नीचे वाले कपड़े को हमने कटिंग कर लेना है तो उसके बाद हमने बैन के साथ जो जोड़ना है इसको कैसे जोड़ना है मैं आपको दिखाता हूँ अभी तो ये देखें हमारी डबल स्लीव मुकम्मल हो चुकी है अब ये साथ के साथ हमने रख के कटिंग कर दिया पीस ये देखें हमने कट भी लगा लिया दरमियान में ये देखें गुलाइयाँ दोनों बराबर आई हैं कोई फ़र्क नहीं है और ये कट भी हमने लगा लिया अब इसी देखें बैक साइड को भी देख लें बहन की सफाई है अब इसी कट को देखें हमने बराबर लेवल पे रख के ये देखें हमने अब कलर के एंड से हमने सिलाई शुरू करनी है अभी नीचे वाला पीस लगना है वो हम बाद में लगाएंगे फिलहाल हम बैन का तरीका तरीकाकार कैसा है कैसे लगाना है ऊपर ये देखें हल्का सा अपने घुमा के लगाना है बैन को सीधा रख के नहीं लगाना घुमा के लगाना है तो कॉलर ज़बरदस्त गोल बनता है गुले ज़बरदस्त बनती है अब हमने जो नीचे से पीस कटिंग किया था अलग किया था अब वो हम नीचे रख के अब इसको सिलाई लगाएँगे तो दोस्तों ये देखें आपके सामने है कितना टाइम लग गया और बहुत ही आसान गोल नोक वाला कॉलर जो है नोके हमने ख़त्म कर दिए हैं कस्टमर की फरमाइश थी तो हमने इसको गोल कर दिया और गोल भी कितना प्यारा लग रहा है आपके सामने है तो हमने नीचे ये देखें इस तरीके से पीस रख के ये सिलई लगा लेनी है और नीचे वाले कपड़े को अपने टैड रखना है ढीला नहीं रखना है तो फिर वो सलवटें पड़ जाती हैं हल्का सा टैड रखना है तो सफाई में बन जाता है खूबसूरत बन जाता है कॉलर नीचे से भी आपको नीचे से भी दिखाऊँगा कितनी सफाई में बना है कोई कपड़े की सलवट नहीं पड़ी हुई तो इस तरीके से ये हमने साथ रख के कटिंग कर देना है इसको बिल्कुल गुलाई में ऐसे तो इसको भी हमने सीधा कर लेना है पैन भी हमारा गोल था ऊपर नोक भी गोल होगी तो बहुत ही प्यारा ये देखें कितना प्यारा लग रहा है तो दोस्तों इतना सा काम होता है बस अगर मुकम्मल समझा जाए ना मुकम्मल वीडियो देख के तो हम समझ में आ जाता है तो इस तरीके से ये देखें हमने नीचे वाले कपड़े को खींच के टाइड करके हमने ये वाली सिलाई लगानी है एक पैर की दूसरी जो सिलाई है वो जब हाला चढ़ाते हैं हम कमीज़ के ऊपर कलर लगाते हैं तब लगानी होती है किनारे वाले सिलाई तो हमने फ़िलहाल पैर की लगानी है ये देखें तो इस तरीके से ये देखें हमने रिवर्स मार के इसको अब निकाल लेना है तो नीचे जो दबाए हमने पैर पैर का छोड़ना है ये देखें इस तरीके से हमने इसको पैर पैर का छोड़ के कटिंग कर लेना है दोस्तों तो तकरीबन हमारा ये कलर मुकम्मल हो चुका है दोस्तों तो मैं आपको इसकी खूबसूरती सही दिखाता हूँ ऊपर से भी आपने गुलाई देख ली होगी अब मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ कोई सिलवटें नहीं है ये देखें उल्टी साइड है देखें कहीं पर भी इसको कोई सिलवट नहीं है खूबसूरत कलर बन गया हुआ है तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो मुकम्मल हो रही है तो आपने मुकम्मल तरीका कर देखा समझ में आ गया होगा तो इन अगली वीडियो में हम मिलते हैं दोबारा अपने प्यारों का ख्याल रखना दोस्तों दुआओं में याद रखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना अल्लाह हाफिज़ दोस्तों